कि नेक्स्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जानने से पहले हम सिर्फ ये जाननी है कि व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। यहां पे हम जितने भी थ्योरम देंगे वो हम आइडियल फ्लूइड को लेकर देंगे। इसके भी हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जो मेनली ये हैं कि एक हमारा होगा जीरो कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा होगा जीरो विस्कोसिटी। ठीक है, व्हाट जीरो कंप्रेसिबिलिटी मीन? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड ड्रॉपलेट हो, उसको अगर आप किसी तरह से कंप्रेस कीजिए और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, तो हम कहेंगे कि वो लिक्विड कैसा है? जीरो कंप्रेसिबिलिटी। और जीरो विस्कस मतलब ये होता है कि जब भी अगर हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट होता है, कहीं पानी फ्लो करता है, तो पानी के दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा। अगर उस केस में वो जो टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स है अगर वो जीरो हो जाए, उस केस में हमारा विस्कस क्या हो जाएगा? जीरो विस्कोसिटी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ना हो, यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स ऐड ना करे, तो लिक्विड क्या होगा? जीरो विस्कोसिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी थ्योरम देंगे इसमें हमारे ये दो कीवर्ड्स हैं, जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी। थर्ड जो हमारा आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन देखिए, फ्लो दो तरह का होता है, एक होता है टर्बुलेंट और एक होता है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये होता है कि अगर मान लीजिए एक ये पाइप है, इससे अगर पानी फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग है, अगर वाटर का ड्रॉपलेट ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहा है उसके पास इसमें अलॉट ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर पहला ड्रॉपलेट इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट ए ले लीजिए, ये पॉइंट बी ले लीजिए, पहले ड्रॉपलेट की इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी1 है, डायरेक्शन ये है, तो जो दूसरा पॉइंट यहां से आ रहा होगा, जो A1 होगा, वो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा उसकी भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? V1 ही होनी चाहिए। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? जो A का डायरेक्शन। तब वो पाथ क्या कहलाता है? स्ट्रीमलाइन। मींस द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ पार्टिकल व्हिच हैव सेम वेलोसिटी एट द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, फ्लो क्या हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा, इसमें मेन आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। देखिए, जो हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है उसमें ये कहा जाता है कि अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इफ वी हैव ए ट्यूब हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया क्या है? A1 है और इसका एरिया क्या है? A2 है। और इस पॉइंट पे ऑब्वियस है ये मोटा है, तो इस जगह पे जो पानी फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। दिस वन मींस यहां पे अगर वेलोसिटी V1 है, यहां पे अगर वेलोसिटी जो है V2 है, तो A1 की वैल्यू अगर A2 से ज्यादा है तो V1 की वैल्यू V2 से क्या होगी? कम। ठीक है, मींस जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। तो ये कुछ ये कहता है कि जब व्हेन एन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इनकंप्रेसिबल हो एंड नॉन विस्कस, ठीक है, फ्लोस इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन, flows in a stream line motion through किससे जा रहा है? एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप से जा रहा है, ट्यूब से, इसका दोनों एंड क्या है? बराबर नहीं। थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल, तब देन जो प्रोडक्ट होगा एरिया का और वेलोसिटी का उस एंड पे वो क्या होगा? कांस्टेंट।
ठीक है, मतलब जो A1 B1 का प्रोडक्ट होगा इस एंड के लिए वो बराबर होगा A2 B2 जो इस एंड के लिए x और y, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। थैंक यू।